कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और नगरीय निकाय मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया दंतेवाड़ा पहुंचे और उनके साथ कई विधायक और पदाधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। इसके बाद दंतेवाड़ा पहुंचकर उन्होंने मां दंतेश्वरी के दर्शन कर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी को 75 से ज्यादा सीटें मिलने का दावा किया गया। वहीं कांग्रेसी नेताओं ने आरक्षण के मुद्दे पर कहा कि आरक्षण किसी भी सूरत में कम नहीं होने दिया जाएगा, इसके लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। वहीं हसदेव और शेरगढ़ के मुद्दों पर विपक्ष के द्वारा आंदोलनकारियों को भड़काने का आरोप भी लगाया है। इसके साथ ही रोड की बुरी स्थिति को लेकर सरकारी प्रक्रिया पूर्ण होने का हवाला दिया और जल्द ही काम शुरू होने की बात कही। टेंडरिंग होता है, अगर 20 लाख से ऊपर की टेंडर अगर कोई होता है तो वो ई टेंडर के माध्यम से होता है। ई टेंडर में कोई भी पूरे प्रदेश में कोई भी आदमी जो इंटाइटल है वो बन सकता है। लगातार गोपनीय टेंडर को लेकर गोपनीय कहीं कोई टेंडर गोपनीय होता ही नहीं। अगर इस तरह कोई आपके पास मामला है तो बता दीजिए, उसमें आगे कार्रवाई करें, हम उपाय करेंगे। लेकिन जो किसी भी तरह भी जो आदिवासी समाज के लिए जो आरक्षण को कम नहीं होने देंगे, तो ये पूरी तरह से स्पष्ट है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। सरकार हमारे साथ है।